आज हम एक छोटे से टॉपिक बट काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है, तो इसलिए आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो दो चीज़ें हैं, एक है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CON, मतलब राष्ट्र के राष्ट्रमंडल या फिर राष्ट्रकुल, और दूसरा है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल, मतलब कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसको हम CIS या फिर हम रशियन कॉमनवेल्थ कहते हैं। अब क्योंकि दोनों के अंदर कॉमनवेल्थ है, तो ये रहता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ऐसी क्या बात है कि दोनों, मतलब क्या डिफरेंस है, दोनों में कॉमनवेल्थ तो है ही लेकिन इसमें डिफरेंस काफ़ी है। तो उसी डिफरेंस को हमें जानने के लिए आज का हम लेक्चर थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके लिए पहले देखते हैं कि दोनों का बेसिक क्या है, एक्चुअली दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले जो ये है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है वो एक्चुअली ये वो कंट्रीज हैं जो पहले कभी, ये शुरुआत जो इसकी बनी थी वो इसलिए बनी थी कि जो ब्रिटेन के अंडर में, मतलब कि जो ब्रिटिश के जो कॉलोनियल रूल था, औपनिवेशिक शासन था, उसके अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं। प्राइमरीली इसमें तो यही लोग थे, वही देश थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें जो लोग ब्रिटिश के कॉलोनीज नहीं थे वो कंट्रीज भी इसमें आके शामिल हो गई, और शामिल होने के बाद में ये जो जो राष्ट्रमंडल, राष्ट्र का राष्ट्रमंडल था, वो ब्रिटिश के कॉलोनीज के अलावा भी और देशों के आने से एक अलग सा संगठन बन गया, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बन गया, और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, मतलब ये गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूड हो गई। अब इसमें क्या था कि पहले तो कोशिश यही की गई थी कि जो ब्रिटेन के अंदर है, ब्रिटेन के अंदर रहें, उन लोगों को एक साथ रखा जाए, भले ही तुम्हें आज़ादी दे दी गई है, ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे या फिर जितने भी गुलाम देश रहे थे उन देशों को आज़ादी तो दे दी थी, लेकिन ऐसा होना चाहिए ना कि मतलब हाँ एक साथ में बने रहें हमारे, क्योंकि हम लोगों की कॉमन हिस्ट्री रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि हम एक साथ बने रहें, एकता स्थापित हो सके, समानता स्थापित हो सके। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप बना लिया, और उसी ग्रुप को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहा गया। और इसी में क्या था कि ऐसे ही एक ये था स्वतंत्र राज्यों का इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो था, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल, इसमें क्या था कि ये रशिया के विघटन के बाद हुआ था, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो रशिया था अपना, सोवियत यूनियन रशिया था, उसकी वजह से उसका विघटन हो गया था। आप जानते हैं 1991 में हो गया था, डिसॉल्व हो गया था USSR, और उसका जो सक्सेसर बना था वो रशिया बना था, सारी पावर्स को इंजॉय रशिया ने किया था, सबसे ज़्यादा जो उसके पास में ज्योग्राफिकल एरिया था रशिया के पास में था, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था। तो इसलिए इसको रशियन हम कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, क्योंकि रशिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसमें रहा है हमेशा से ही। अब इसमें जो मेंबर्स थे ये वो हैं जो रशिया के कभी पार्ट हुआ करते थे, इसमें ऐसे कोई भी वो कंट्रीज नहीं है जो रशिया के पार्ट नहीं हुआ करते थे, मतलब USSR के जो पार्ट्स थे जो डिसइंटीग्रेट हुआ था तब USSR, तो उसके बाद में जो भी नए स्टेट्स बने थे, नए जो देश बने थे, कंट्रीज बनी थी, वो सब कंट्रीज ने मिलकर यहाँ पे आके अपना बना लिया एक संगठन। इन्होंने क्या कहा कि चलो अब हम भले ही हम एक USSR के अंडर नहीं है, यूनियन के अंडर नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम निकले तो एक ही जगह से हैं, तो हम लोग सब लोगों को एक साथ में रहने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, जैसे कि इसमें था, वैसे इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही था कि अगर हम लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, क्योंकि हम लोग साथ साथ में हैं, आस पास में रहते हैं, तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, ऐसा संगठन बना लेते हैं जहाँ पे अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो एटलीस्ट हम जाके वहाँ पे बात कर सकते हो। इसमें फिलहाल जो है वो 9 मेंबर्स हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CIS कहेंगे, और जो CON है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें अभी फिलहाल 54 मेंबर्स हैं, 53 हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें मालदीव्स ने फिर से ज्वाइन कर लिया, इसलिए 54 मेंबर्स इसके हो गए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये है CIS, इसमें 9 तो ऑफिशियली मेंबर्स हैं, बट इसमें एक मेंबर जो है वो है एसोसिएट मेंबर, मतलब मेंबर तो है लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि जैसे कि एडहॉक में होते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में भी टीचर्स होते हैं तो परमानेंट टीचर्स होते हैं, तो ये जो 9 मेंबर्स हैं, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये वो कंट्रीज है जो 9 के 9 परमानेंट है, बट एक एसोसिएट है। एसोसिएट का मतलब है कि हेल्पर है, एक तरह से सहायक है, वो भी जुड़ा हुआ है, वो भी परमानेंट है लेकिन है हेल्पिंग हैंड के तौर पे, तो वो कौन है, तुर्कमेनिस्तान। इसके अलावा दो और स्टेट्स हैं, दो और राज्य हैं जो एक मतलब ऑब्जर्वर की फॉर्म में हम बोलते हैं, ऑब्जर्वर किसको हम बोलते हैं,
जो किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, जो पार्ट लेता है लेकिन फॉर्मल मेंबर्स का नहीं होता है, जैसे कि अभी हमारे एग्जाम्स में भी ऑब्जर्वर्स आते हैं, तो वो पार्ट तो होता है, पार्ट नहीं होता है लेकिन वो आते जरूर हैं इस चीज को, प्रोसेस को पूरा ऑब्जर्व करने के लिए और देखने के लिए। तो उन दो देशों में कौन है, अफगानिस्तान और मंगोलिया, दोनों देश है, मेंबर्स नहीं है बट फिर भी दोनों के दोनों उस उनकी मीटिंग्स में आते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन प्रॉपर मेंबर ऑफिशियल मेंबर्स नहीं है। लेकिन ऑफिशियली अगर मेंबर बोलेंगे तो हम 9 मेंबर्स बोलते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, और इसमें सबसे पहले हम इसको पूरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो यूएसएसआर के जितने भी नए कंट्रीज बने थे उन सब ने कहा कि हम लोगों को एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाते हुए सीआईएस का गठन करना चाहिए। 1991 में इन्होंने 1991 में एक ऐसा संगठन बनाया और उस संगठन को ऑफिशियली कहा गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो रशिया से विघटित होकर उससे निकलकर अलग से नए देश बने थे। तो यही चीज इसका है, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि भारत तो कभी रशिया के अंडर रहा ही नहीं, तो इसलिए भारत कभी भी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मेंबर नहीं रहा है, ना ही अभी है। अभी हम देखते हैं फिर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में, क्योंकि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस काफी बड़ा है और काफी देशों तक इसे पहुंचा है, इसकी वजह से इसको बहुत इम्पोर्टेंस माना जाता है और भारत कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट है, मेंबर है, क्योंकि आप जानते हैं भारत हमेशा से ही मतलब 200 साल तक ब्रिटेन के अंडर रहा है, तो उस वजह से इसका भी मेंबर है। इसके बाद में क्या हुआ कि ये ऐसी कॉलोनीज, इसमें दो तरह के देश आते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में, वो देश जिसमें ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हैं। ब्रिटेन की कॉलोनी कौन कौन रहे हैं, भारत है, श्रीलंका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देश जो कॉलोनी रहे हैं ब्रिटेन के अंदर वो इसमें शामिल है। और इसमें ऐसे देश में जो ब्रिटेन के सामने कभी कॉलोनीज रहे ही नहीं बट मेंबर्स हैं, क्योंकि उन दोनों के जैसे कि नॉन मेंबर्स जो कॉलोनी मेंबर थे और जो नॉन कॉलोनियल मेंबर हैं उनके इंटरेस्ट सेम से हैं, इसलिए वो देश भी आगे से मोजाम्बिक है, रवांडा है, रवांडा ने भी 2009 में ही मतलब लगभग 11 साल पहले ही इसने ज्वाइन किया था। इसके बाद से जब रवांडा ने ज्वाइन किया तो इसे कहा गया कि हाँ ये तो मतलब अब नॉन कॉलोनियल जो था गैर औपनिवेशिक देश थे उनके बावजूद भी ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया जिसकी वजह से यहाँ पे अपना काम को करते हैं। अब ये इसमें क्या होता है कि कल्चरल गेट टुगेदर जैसा है, कल्चरल गेट टुगेदर का मतलब है कि साथ में हम बैठ के सांस्कृतिक तौर पे आप अपनी बातचीत करें, क्योंकि दोनों की संस्कृति सेम सी है, कुछ कुछ दोनों के इतिहास एक जैसा रहा है, जितने भी देश हैं उनका एक जैसा इतिहास रहा है, इसकी वजह से जो भी इनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन निकाल के अपनी बातें आगे बढ़ाते हैं। वही चीज कल्चरल गेट टुगेदर में ऐसा किया जाता है ताकि हमारी संस्कृति को और ज्यादा एनहांस किया जा सके और बढ़ाया जा सके, इसीलिए यहाँ पे मीटिंग होती है। अब इसमें जो है इसका जो हेड होता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेड होता है ब्रिटेन की रानी, जो फिलहाल एलिजाबेथ टू हैं, वो इसकी हेड होती हैं। हेड मतलब कि जनरली हेड इन्हीं को माना जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि दो तरह के देश हैं। दो तरह के देश किस तरह से कि कोई ऐसा देश हो सकता है जो बोले कि हाँ हमारे हम तुम्हारी रानी को भी अपनी ही रानी मानते हैं। अगर ऐसे कोई देश हैं जो ब्रिटेन की रानी को भी अपनी रानी मान के उनके काम करते हैं तो उन देशों को कहा जाता है कॉमनवेल्थ रेलम्स। रेलम्स कहा जाता है जिसमें 16 देश हैं। ये 16 देश बोलते हैं कि जब ब्रिटेन की रानी है तो वो हमारे देश में भी रानी कहलाएगी, उनके नाम पे हमारा शासन चलेगा। वो कौन से देश हैं, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन है, बहामास, ये उनकी रानी को मानते हैं। और हमारे इंडिया में क्या है कि हम जैसे कि और ऐसे दोस्तों जो ऐसे देश भी हैं जो रानी को कहते हैं कि आप ब्रिटेन की रानी हैं बट हमारी रानी नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन जब आजाद ब्रिटेन के अंदर थे हम तब हम रानी मानते थे कि हाँ हमारी रानी है, बट जब हम आज़ाद हो गए तो उसके बाद हमने कहा नहीं वो ब्रिटेन की रानी है तो ब्रिटेन की ही है, अब वो हमारी रानी नहीं है, इसलिए हम भारत जो है ब्रिटेन को अपनी रानी नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के नाम पे शासन होता है। वही चीज है इसमें। इसके बाद में क्या होता है कि आप जानते हैं क्योंकि अब 54 कंट्रीज हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज ऐसी होती होंगी जिनसे ये लोग आपस में मिलते होंगे। हर 2 साल में इनके हेड्स जो होते हैं गवर्नमेंट हेड होते हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं, साथ में हर मतलब कुछ टाइम बाद में इनके पास में हर 4 साल में लगभग एक कॉमनवेल्थ गेम होता है जो अभी 2022 में जो होगा 2 साल बाद में वो बर्मिंगम में इंग्लैंड में होगा ये प्रस्तावित है। इसके साथ में क्या है कि हर 2 साल में जब इनकी हेड्स की मीटिंग होती है मतलब जो भी देश के हेड होते हैं जैसे कि हमारे पास में प्रेसिडेंट हैं हेड हमारे होते हैं तो उसके जो ऑफिशियली हेड हमारे प्रेसिडेंट होते हैं बट जो हमारे जो रियल होते हैं वो जो वास्तविक होते हैं वो तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो जो हेड्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है और वो जाके अपनी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करते हैं।
हमारे चाहे जो 2 साल के बीच में जितने परिवर्तन हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उन प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करते हैं, साथ में अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी डिस्कस करते हैं। और इसीलिए ये जो गवर्नमेंट है इंटर गवर्नमेंटल बन गई है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अंतर सरकारी संगठन, जिसमें मतलब कि जो विभिन्न देशों की सरकारें हैं वो सरकारें भी कहीं ना कहीं आके किसी न किसी बात में अपना अपना परिचय देती हैं, अपने बातचीत करती हैं। साथ में क्या होता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इसमें। इंटरफेयर पॉजिटिव के लिए है, मतलब इंटरफेयर का मतलब है कि गवर्नमेंट का काम चलता है यहाँ पे, गवर्नमेंट देखते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यही चीज़ जो थी, ये दो स्टेट्स, दो ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है जो फिलहाल अभी भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रमंडल ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी थोड़े धीमे पड़ गए हैं, और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम पड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे हम वैश्विक बनते जा रहे हैं। लेकिन इसका ये चीज़ नहीं है, क्योंकि कॉमनवेल्थ भले ही अलग से बनाए ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एकदम ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि जब कॉमन हिस्ट्री रही है, कॉमन कल्चर रहा है, तो साथ में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना इजी हो जाता है। क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम सेम है, तो सॉल्यूशंस भी कहीं ना कहीं सेम होगा। तो अगर सेम दोनों एक साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो सही रहेगा। यही चीज़ है। अब ये हमारा जो फर्स्ट बुक है हमारी, उस फर्स्ट बुक का चैप्टर 2 का एंड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक यही है जो हमारा थोड़ा सा रह गया था। अब इसके बाद में जो है हम कल से शुरू करेंगे इस बुक का फर्स्ट चैप्टर। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कल करेंगे स्टार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बुक का फर्स्ट चैप्टर को एक बार रीड करिए, और अब तक जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उन प्रॉब्लम्स को, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ ग्रुप पे मुझे बताइए कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज़ के बारे में हम फिर से डिस्कशन करेंगे, फिर से समझाऊंगी। साथ में इनको नोट्स को आप प्लीज़ कॉपी करें अपनी कॉपी में, और जितने क्वेश्चन आंसर्स दिए जा रहे हैं प्लीज़ उनको नोट करें, और नोट करके उस क्वेश्चंस को करें, आंसर करें उनका। साथ में आप उनको मुझे फोटो भी सेंड करें कि हमने ये चीज़ को नोट कर लिया है या फिर आंसर कर लिया है। इसके लिए थैंक यू सो मच।